अनाज और दलहन पर 5% जीएसटी के विरोध में आज वासी की अनाज मंडी पूरी तरह से बंद रही। व्यापारी संगठनों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। ट्रांसपोर्ट और माथाड़ी संगठनों ने भी व्यापारियों के बंद का समर्थन किया। बाजार मंडी में कुछ एक रिटेल दुकानों को छोड़कर सभी थोक दुकानें बंद रही और सन्नाटा छाया रहा। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने दलहन और अनाज की कीमतों पर 5% की जीएसटी लगाने का फैसला किया है। 18 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इसे लेकर जो व्यापारी हैं, अनाज व्यापारी हैं, जो एपीएमसी के तमाम जो लोग हैं वो नाराज हो गए हैं और आज 16 जुलाई को उन्होंने पूरा एपीएमसी बंद का ऐलान किया है। पूरे देश भर में ये ऐलान चल रहा है भारत बंद का और इसके साथ महाराष्ट्र में भी ऐलान चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये नईमबई एपीएमसी का की अनाज मंडी है जिसमें आज पूरी तरह से बंद रखा गया है। व्यापारियों ने सारा कामकाज ठप रखा है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है। मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं, ये अनाज मंडी है जो सामने दिख रही है, पूरी तरह से इसमें सन्नाटा छाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने अनाज पर और दलहन पर जो 5% का जीएसटी लगाया है वो कहीं ना कहीं अवाजिब है, अन्यायकारक है और इससे महंगाई और बढ़ेगी। सामान्य लोगों के ऊपर उसका 10% जो असर, एक्स्ट्रा जो कीमतें बढ़ेंगी उसका असर पड़ेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो एपीएमसी है, पूरा जो वो सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ जो तमाम ट्रांसपोर्ट है जो अनाज मंडी में काम करते हैं वो देख रहे हैं आप, गाड़ियां लाइन से इधर खड़ी कर दी गई है। ये सामने वाला भी एपीएमसी का ये अनाज मंडी का हिस्सा, ये भी पूरी तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। ये पूरा इलाका मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं, ये वो इलाका है जो अनाज मंडी है, एपीएमसी की वासी की अनाज मंडी है, जहां इस वक्त बंद के कारण जो है पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 5% जीएसटी दलहन और अनाज पर लगेगा तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा आम लोगों पर पड़ेगा, 10% महंगाई बढ़ जाएगी, क्यूमुलेटिव जो डिफरेंस होगा, डिक्रीज होगा रेट में, वो 10% के आसपास जाएगा और ये बहुत जटिल है। आज के समय में जब लॉकडाउन के बाद आर्थिक मंदी चल रही है, ऐसे में लोग परेशान हैं। एक तरफ से सरकार ने वादा किया था कि महंगाई घटाएंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये हो रहा है कि महंगाई और बढ़ रही है और इसीलिए व्यापारी इसका संकेत दे रहे हैं कि अगर इसी तरह से अनाज और दलहन के कीमतों पर 5% की जीएसटी बढ़ी तो उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, ये वासी अनाज मंडी का वो हिस्सा है जो आज यहाँ पर अक्सर जो है व्यापारी बड़ी संख्या में रहते हैं, बड़ी संख्या में खरीदार रहते हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से ठप है, यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा, पूरी तरह से सन्नाटा है। कि अनाज मंडी का ये वो हिस्सा है जिसमें आप देख सकते हैं ये तमाम जो राइस ट्रेडर्स हैं और ये जो अनाज के व्यापारी हैं उनकी यहाँ दुकानें लगती हैं और यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भीड़ लगती है, उपभोक्ताओं की, ग्राहकों की भीड़ लगती है, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, खामोशी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा बंद है, आज का पूरा जो अनाज मार्केट खासकर बोला, कुछ रिटेल वाले, अलबत्ता कुछ लोगों ने चालू किया था जिन्हें बाद में बंद करा दिया गया, लेकिन जो मेन मार्केट है अनाज की वो पूरी मार्केट बंद है। और इससे जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उनके ऊपर निश्चित तौर पर अगर आज मार्केट बंद है, जो होलसेल में सामान लेने के लिए यहां पर आते हैं, बाजार में आते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हुई होगी। हालांकि पहले से सूचना दे दी गई थी कि ये मार्केट पूरा बंद रहेगा और आप देख सकते हैं कि वाकई इसी तरह से मार्केट बंद है। तमाम लोग यहां पर जो व्यापारी हैं आज के दिन में उन्होंने अपना ताला लगा के रखा हुआ है और इसका असर इसीलिए है, व्यापारी इसीलिए नाराज है क्योंकि मोदी सरकार ने जो फैसला किया है कि अनाज और दलहन की कीमतों पर 5% का जीएसटी लगेगा वो कहीं ना कहीं 10% की महंगाई बढ़ाने वाला है और इसीलिए व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर के तमाम जो व्यापारी संगठन है, जो किसानों के संगठन है उसमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट संगठन इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज का ये भारत बंद रखा गया है। आज महाराष्ट्र में भी बंद है और आज नईमबई की जो एपीएमसी मंडी, अनाज मंडी है, वो पूरी तरह से ठप रखी गई है। इस वक्त हमारे साथ है ग्रोमा के जो सेक्रेटरी है अमृतलाल जैन जी। जैन साहब आप बताइए क्या वजह है जिसको लेकर आज आप लोगों ने पूरी एपीएमसी को बंद रखा है? आज हमने बंद इसके लिए रखा है कि जीवनावश्यक वस्तुएं के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया गया है, नॉन ब्रांड के ऊपर भी, जो लोगों के जरूरत की चीज है। एक गरीब आदमी के एक महीने का बजट में 3,000 से 5,000 ज्यादा उसको लगेगा, उसको बहुत तकलीफें आएगी। आज दिन तक कभी भी इस अनाज के ऊपर, चावल गेहूं आटा के ऊपर कोई तरह का टैक्स नहीं था। मोदी जी ने भी कहा था कि इसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। अचानक 14 जुलाई को जीआर आता है और 18 तारीख को लागू करने का कहते हैं,
सैटरडे संडे छुट्टी है, इस तरह का ये माहौल क्रिएट किया गया है लोगों में, एकदम रोष है व्यापारियों में, और पूरा मार्केट स्वेच्छा से लोगों ने बंद किया है। यही व्यापारी थे जिन्होंने ये कोरोना काल के अंदर एक घर घर माल पहुंचाया, वहाँ पे कोई मॉडर्न ट्रेड वाला नहीं आया या कोई बड़े घराने वाले नहीं आए कि क्या छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश है। इस तरह का सरकार के विरोध जो नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अगर जिस तरह से फैसला लिया गया है, अगर 18 जुलाई को ये लागू होता है, मोदी सरकार अगर लागू करती है, तो इस ओवरऑल जो महंगाई है उसके ऊपर किस तरह का इसका असर पड़ेगा? 5% अगर डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, इससे उपभोक्ताओं के ऊपर किस तरह का असर पड़ने वाला? महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अवसरवाद बढ़ेगा, लोगों को तंग करना शुरू हो जाएंगे। तो जो पहले मोदी जी का मिशन था कि कम लाइसेंस के अंदर वन विंडो में व्यापारी भयमुक्त होकर के व्यापार करे, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो 5% का इफेक्ट 8-9% पड़ता है, और कोरोना अभी अभी निकला है, लोगों की कमर टूटी हुई है, ऐसी स्थिति में ये सामना कैसे कर पाएगा? मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप भी इसको 31 जुलाई तक आगे करके हमसे वार्ता, सब पक्ष से, प्रभावित पक्षों से वार्ता करके आप डिसीजन ले। जैसा कि आपने सुना कि ये पूरा जो संघर्ष है, पूरा आंदोलन है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर के फायदे के लिए है, कंज्यूमर को बचाने के लिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये संघर्ष शुरू हुआ है। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि जो GST का इंप्लीमेंटेशन होने वाला है उसे फिलहाल रोकें, और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करने के बाद जो उचित रास्ता निकलता है उसके हिसाब से इस पर अगला निर्णय लिया जाए। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।